शुक्रवार को ग्राम जावी में शासकीय विद्यालय की भूमि पर किए गए अतिक्रमण हटाने के मामले में ग्रामवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए, जिसका नेतृत्व आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया। दरअसल विगत दिनों अतिक्रमण हटाने के मामले में ग्रामीणों पर दर्ज किए प्रकरण को निरस्त कराने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार पिंकी साठे को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामवासियों द्वारा ज्ञापन में बताया गया कि विगत दिनों अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया था और मामले में SDM व ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण भी हटाया गया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि कुछ अतिक्रमण पंचायत द्वारा नहीं हटाया गया, जिसे कुछ दिनों पूर्व गाँव के ही लोगों ने उक्त अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया। मौके पर पटवारी एवं ग्राम के युवाओं के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते गांव के पटवारी एवं सचिव की शिकायत पर ग्रामवासियों पर प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी गई है कि ग्रामीणों पर जो प्रकरण दर्ज किया गया वह खारिज किया जाए। जावी के अंदर करीबन 10 लोगों ने 10-12 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है स्कूल के अंदर। उसके लिए गाँव के जो लड़के हैं, यंग लड़के, जागरूक लड़के हैं, उन लोगों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया था, तो अतिक्रमण वहाँ से हट गया। वो तो वहाँ के जो रसूखदार लोग हैं, पटवारी और सरपंच, उन्होंने इनके ऊपर छोटी कार्रवाई की। इसके निरस्त कराने के लिए हम लोगों ने यह कार्रवाई, किस प्रकार की कार्रवाई की वैसे उन लोगों ने? ऊपर धारा 107 और 116 के अंदर कार्रवाई, ये कार्रवाई निरस्त की जाए और इन नए जो लड़के स्टूडेंट हैं उनको भविष्य को ख्याल में रखते हुए ये कार्रवाई हमेशा निर्देश।